बेगूसराय जिले में बिजली कंपनियों की तानाशाही, स्मार्ट मीटर बिजली के दरों में वृद्धि तथा बिहार सरकार के द्वारा बिजली के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ आज लोजपा रामविलास के द्वारा एक विशाल धरना का आयोजन बेगूसराय में किया गया। कुल 5 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर आयोजित इस धरना में जिला के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल थे। साथ ही साथ जिला अध्यक्ष प्रेम पासवान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नेताओं ने कहा कि आज के धरना का मुख्य उद्देश्य बिहार के गैर सरकारी विद्युत उपभोक्ताओं, लघु उद्योगों एवं BPL धारी विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना था। वहीं साथ ही साथ इस अवसर पर नेताओं ने सरकार से मांग की है कि वर्तमान विद्युत शुल्क में 30% की कटौती की जाए, वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर मीटर रीडिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट लगाया जाए, लोड नहीं रहने के बावजूद भी अधिक लोड खफा दिखाने वाले प्रीपेड मीटर को तुरंत बदला जाए, सभी कृषि एवं लघु उद्योग को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ BPL धारी विद्युत उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाए। बिहार के बेगूसराय से अंशु कुमार की रिपोर्ट। कर रहे हमारे जिला लोजपा शक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रेम पासवान जी, आदरणीय प्रधान महासचिव भाई संजय जी, आदरणीय भाई सुरेंद्र विवेक जी, आदरणीय सुदर्शन दा, आदरणीय हमारे संघारक के पूर्व विधायक राम विनोद पासवान हो गई है। अगर आप चाहेंगे तो यह समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आप आदरणीय चिराग पासवान एक चिराग पासवान जी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी गरीब के घर में बिजली लगा हुआ है उनको कम से कम 150 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जाए, यह मैं सरकार से मांग करती हूँ, क्योंकि गरीब की समस्याएं ढेर सारी मौका व्यक्त होती है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि BPL के अंदर हमारे गरीब आते हैं उनको 150 यूनिट बिजली काम किया। हमारे नेता को शेर का बेटा था, जंगल शेर का निकला और अपनी ताकत को दिखाया नीतीश कुमार को, एक नंबर की पार्टी को किसी नंबर बना दिया। हम आपसे अपील करने आए, आपका आग्रह कर उनको जनता के जो सुदृढ़ है कि उनसे ज्यादा अभी बिहार में एक भी कोई बता दे कि इनसे ज्यादा दुख दर्द सुनने वाला आवाज उठाने वाला एक भी बिहार में नहीं है। आज हम लोग मामले को लेकर बेगूसराय से लेकर के बिहार के विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में धरना महाधरना चल रहा है और आज एक यात्री बिहार के विद्युत को सवाल में लिए आज धरना दिया गया। उसमें 5 मामले को लेकर के जिलाधिकारी को सार पत्र सौंपा गया है, मुख्यमंत्री के नाम से दिया गया है। यह 5 मांग अगर बिहार सरकार ने नहीं मानी, विद्युत कंपनी ने नहीं मानी, विद्युत बोर्ड ने नहीं मानी, तो लोजपा रामविलास बिहार की सरकार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिला मुख्यालय पर बिहार बिजली विभाग के घोटाला, मैंने बिजली विभाग जो अकाउंट से बिल लेती है स्मार्ट मीटर पर, आज लोग हम लोग ने धरना दिया है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हम जनमानस बिजली स्मार्ट मीटर से परेशान है, अधिक बिल आ रही है। दूसरे राज्य जब सस्ता बिजली देती है तो हमारे बिहार राज्य क्यों देती है महंगा बिजली। आम जनमानस और हम तमाम लोक जनशक्ति पार्टी बिजली के मुद्दे पर सड़क से सदन तक जाने का काम करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के आदेश से और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के निर्देश पर आज जिला मुख्यालय पर महाधरना हुआ और
हम कहना चाहते हैं बेगूसराय जिला में प्रतिदिन हत्या हो रही है, अपराधियों पर जिला प्रशासन का शंकु खत्म हो गया है। मैंने जिला प्रशासन नपंसक व्यक्ति काम कर रही है, ऐसा नहीं है अपराधी डर डर रहा है। अपराधी जिला प्रशासन जिस तरह काम करती है हम उनकी निंदा करते हैं। प्रत्येक दिन हर प्रखंड में कहीं ना कहीं सुबह न्यूज उठता है आज क्या हुआ, वहाँ हत्या कर दिया, आज क्या गोली मार दिया, क्यों ऐसा अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए अपराधियों को, जिससे अपराध कम हो। और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, प्रेम कुमार पासवान जिला। सरकार से मांग करते हैं पहले वाला स्मार्ट मीटर लगा थी जो मैनुअल मीटर लगाया जाए जिससे बिल कम आवे, और 150 यूनिट जिस तरह दिल्ली में फ्री देती है उस तरह बिहार में आम जनता को फ्री दिया जाए 150 मीटर।